किस तरह संभाल के शुरुआत करनी है और उसके बाद चार्ज करना है। बट यस, कंडीशंस बहुत ज़्यादा बैटिंग के हिसाब से आज हमें बोलर्स ज़्यादा परफॉर्म करते हुए देखेंगे इन कंपैरिजन टू बैटर्स। नज़र तो आ रहा है वरना ऑस्ट्रेलियन नॉर्मली इस तरह का स्टार्ट नहीं लेते। हाँ। कि जो इस वक्त टोटल नज़र आ रहा है इतनी नहीं होता, तो इसका मतलब है कि पिच में कुछ है अर्ली ऑन और वो चाहते हैं कि जितनी विकटें हाथ में हो और बैट बॉल का इंतजार कर रहे हैं वो, या आप बिल्कुल आगे की बॉल का इंतजार कर रहे हैं या पीछे की बॉल का इंतजार कर रहे हैं जो उनकी फेवरेट शॉट है, और आगे का बॉल या पीछे उनका वैसे भी नेचुरली इतने स्ट्रांग होते हैं कि वो अच्छा खेलते हैं, तो वो बैट बॉल्स का इंतजार कर रहे हैं फिलहाल, एक्स्ट्रा रिस्क लेने की कोशिश। वार्नर जैसा प्लेयर जो है जो कि नहीं खड़ा होता एक जगह आराम से, तो आई मीन कि अच्छी सेंसिबल प्लानिंग के साथ ये लोग इस वक्त उतरे ग्राउंड में। फील्डिंग हम हमेशा बात करते हैं, फील्डिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। पाकिस्तान में अभी भी फील्डिंग का मसला सबसे बड़ा है। हमने पिछले मैच में भी देखा कहीं ना कहीं हमें फील्डिंग के लैप्सेस दिखे, हमें जहां रन आउट कर सकते थे वहां रन आउट नहीं कर पाए। कैसे सही किया जाए? देखिए फील्डिंग एक इंडिविजुअल फेल सबसे ज़्यादा होता है, बट कैसे सही किया जाए उसे? अच्छा मैं हैरान हूँ, हालांकि ये सारे लड़के बहुत फिट हैं और बड़े अच्छे फील्डर हैं, मेरा नहीं ख्याल का कोई हल्का फील्डर है इनमें। लेकिन मैच में अगर हो रहा है तो अनफॉर्चुनेटली ये क्यों हो रहा है, समय से बाहर है, क्योंकि हालांकि फिट भी हैं लड़के, इतनी मेहनत भी करते हैं। और ये जो अब ब्रैडबर्न है ये फील्डिंग कोच भी है, ये पहले हमारा फील्डिंग कोच ही, 3 साल फील्डिंग कोच रहा है और अब हेड कोच है। तो ऐसा कोई मसला नहीं कि कोई चीज़ हो नहीं रही है, ये कर नहीं रहे, कोई ऐसी बात नहीं है कि ये लोग लेजी हैं, ये भी नहीं है, सारे बड़े एक्टिव हैं, फिट हैं। पता नहीं क्या बात है, ये अल्लाह ही बेहतर बैड डेज आ जाते हैं, बैड डेज हो सकता है, अगर आप कह रहे हैं कि कौन सा बैड डे आ जाएगा, 47 से तो नहीं हो सकता। लेकिन 1947 के अखबार आज भी उठा के देख लो, बिजली गैस पाकिस्तान टीम की फील्डिंग वही। अच्छा फील्डिंग स्टैंडर्ड्स अब सारी टीमों के, सिर्फ पाकिस्तान की बात नहीं कर रहा, अब सारी टीमों में कहीं ना कहीं वीक लिंक नजर आता ही आता है। ये पता नहीं क्या वजह है, हैरानगी वाली बात है, वैसे होना नहीं चाहिए। जबकि लेवल ऑफ फिटनेस की आप बात करें तो लेवल ऑफ फिटनेस पूरी सारी टीम्स में, दुनिया भर में, सब में बढ़ता जा रहा है। कहाँ आप लोग जब आप मतलब कुछ साल पीछे चले जाएं, कहाँ आपको सिक्स पैक्स वाले जो है वो क्रिकेटर्स दिखते थे, कहाँ आपको जो है वो डोले बनाए हुए क्रिकेटर्स। यो यो आप यकीन करें फील्डिंग एक ऐसी चीज है ना, अगर मैं छुपना चाहूंगा ना तो बॉल मेरे पास सबसे ज्यादा मैं छुपा था, कोशिश बड़ी की आपने, शोल्डर इंजरी जब का शोल्डर का था मैं छुपता था, तो हमारा मैच दिल्ली में हो रहा था, छठा वनडे था यार, ये विकेट तो कुछ भी नहीं, इतने वो बन गए थे, नहीं वो जिसको कहते हैं होल बन गया, तो ऑफ स्पिनर हमारा एक बॉलर है अर्शद खान, वहां पे भी टर्न नहीं कर पा रहा था, वहां पे भी टर्न नहीं कर पा रहा था वो आया ना, जब उसको इंजीवे ने बुलाया तो मैंने कहा दोनों राइट हैंड बैट्समैन हैं, तो मैं कह इंजीवे मैं डीप कवर चला जाता हूं, हां आप चले जाना, मैं चला गया, पहला बॉल किया मेरी तरफ, दूसरा बॉल किया मेरी तरफ, तीसरे मैं फिर चौथे पे बोला भाई, मैंने कहा लेग जगह बदल ऑफ स्पिनर हो ये क्या लग रहा है, मैं कहा बॉल चेंज करें या मुझे चेंज करें, स्पिन क्यों नहीं हो रहा था वहां पे भी कुछ स्पिन नहीं हो रहा था, वो बैट्समैनों को धोखा दे रहा था, हमें भी धोखा दे रहा था, तो ये हो जाता है बस। ऐसा होता है कि जो प्लेयर जितना बच रहा होता है फील्ड में बॉल उसे ढूंढ रही होती है, बट जहां हमने हमारी टीम में तो बहुत सारे बचने वाले थे, कोई एक बॉल फील्ड अब नहीं है, अब नहीं है ऐसा, बिल्कुल बात है क्यों ये लड़के तो बहुत मगर फील्डिंग एक लैप्स है इरम, मगर फील्डिंग के साथ साथ एक और मसला है हमारी टीम में, पावर हिटिंग का। पावर हिटिंग की या तो हम प्रैक्टिस नहीं करते हैं नेट्स में, या नेट्स में इतनी प्रैक्टिस कर, मतलब हम सुनते थे ना जी आसिफ अली ने जो है वो पता नहीं कितने 150 छक्के मार दिए नेट्स में जी, आके कितने मारे, 2 या 1 भी नहीं, तो पावर हिटिंग का एक बहुत बड़ा मसला भी है, और ये वुमेन क्रिकेटर्स में भी है और ये मेंस क्रिकेटर, यही मैं बात करने वाली थी कि ये मेंस क्रिकेट में भी है और वुमेन्स क्रिकेट में, तो ये बहुत ज्यादा ये चीज काफी अरसे से चलती आ रही है। लेकिन जिस तरह आपने आसिफ अली की बात की, हम सब जानते हैं कि वो बहुत एक अच्छी हिटिंग, लेकिन जब एशियन गेम्स में हम गए तो हम ये नहीं कह सकते कि हमारी बिल्कुल जूनियर टीम गई थी, ऐसा नहीं है, उसमें खुशदिल शाह थे, आसिफ अली थे, हैदर अली थे, कितनी बड़ी टीम हमने एशियन गेम्स में भेजी, लेकिन हम
कितनी बड़ी टीम और कितनी छोटी बाउंड्रीज, 55 मीटर की बाउंड्रीज थी वहां पे, लेकिन अंडरडेवलप्ड पिचेस थी, बट यस, लेकिन हमारे प्लेयर्स तो कह लें कि बहुत एक्सपीरियंस प्लेयर्स थे, तो मुझे लगता है इस चीज़ पे थोड़ा सा कह लें कोचिस को काम करना होगा. मुझे इफ्तिखार से पिछले मैच में काफ़ी ज़्यादा था कि वो अच्छा खेल सकेंगे, लेकिन मुझे लगता है जिस बॉल पे वो आउट हुए हैं, अगर वो अपनी उस जोन में रह के, जिस तरह उनकी क्रिकेट खेलने का स्टाइल, अगर वो उसी उसमें रह के उस शॉट को खेलते, तो मुझे लगता है वो एक छक्का जाता, ना कि जोन की बात कर रही है. मुझे लगता है वो थोड़ा सा शेल में जाके उन्होंने खेला है, इस चीज़ पर थोड़ा सा काम करना होगा. बिल्कुल आपने सही बात की. और जहां तक फील्डिंग की हम बात कर रहे थे, तो मुझे लगता है कि जब हम छुपते हैं ना, तो हम कहते हैं यार मैं थर्ड मैन चली जाऊं, या क्या कहते हैं फाइनल चली जाऊं, वहां पे सबसे ज्यादा बॉल आता है. बिल्कुल. और वहां पे सबसे ज्यादा आपकी दौड़ लगती है. तो आप अब इतनी मॉडर्न क्रिकेट है, आप कहीं छुप नहीं सकते. पावर हिटिंग की जो हम बात कर रहे थे ना, उसका सबूत ये आपके सामने अब स्क्रीन पर आप लोग देख सकेंगे. एग्जैक्टली. यहाँ पे जब हम मोस्ट सिक्सेस की बात करते हैं, मोस्ट सिक्सेस इन पावर प्ले इन 2023, तो भारत यहाँ पे टॉप कर रहा है, 32 सिक्सेस हैं, और ऑस्ट्रेलिया 29, साउथ अफ्रीका, श्रीलंका के, अगर हम श्रीलंका कल वाले सिक्सेस इसमें इंक्लूड कर लिए गए हैं ना, क्योंकि कल ही उन्होंने काफी ज्यादा सिक्सेस. अच्छा, इसमें मैं इंक्लूड करना चाहूंगा चीज के, इंडिया के पास पावर हिटर नहीं है, प्रॉपर प्लेयर है. ये चीज ये याद रखिए. लेकिन पावर हिटिंग वाला लव्स जो है, ये मुझे लगता है कि ये गलत है. जब तक आप प्रॉपर नहीं खेलेंगे ना, टाइम करना होता है. छोटी बाउंड्री आप खुद कह रही है, 65 हो जाएगी बाउंड्री या 60, इतने होता है. अगर आप प्रॉपर खेलेंगी तो हो ही नहीं सकता छक्का ना लगे. इतने अच्छे बल्ले आप आ गए, विकेटें इतनी अच्छी हैं, आपने टाइम करना है अच्छी जगहों पे. देखिए, पावर हिटिंग उस वक्त चाहिए जब बाउंड्री क्लियर करनी है, उधर फील्डर खड़ा हो, गैप आपके पास इतने हैं, 5 फील्डर अंदर हैं. बिल्कुल. आपको सिर्फ टाइम करना है, गैप में खेलना है, चौका और छक्का आराम से मिल जाता है. नहीं, मगर डिफरेंस इसमें पावर हिटिंग और पिंच हिटिंग में डिफरेंस. पिंच हिटर तो जो स्लॉगर होता है वो पिंच हिटिंग लेट ऑर्डर आप आए, बट पावर हिटिंग तो आप ऑब्वियसली आपकी टेक्निक आपका कंट्रोल होगा तो आप पावर हिट. उस वक्त जब प्रॉपर हिटिंग, देखिए पावर तो सब में ही है, ऐसा टाइमिंग आप कह रहे हैं कि सही, टाइमिंग सही हो और आप में वो करेज होनी चाहिए कि फेलियर का डर ना हो, या मैं कहीं आउट ही ना हो जाऊं, मैं आउट ना हो, फिर आप नहीं मारते. बिल्कुल. जब आपको ये डर नहीं है ना कि यार मैं तो प्रॉपर हिट करूंगा और मैं इसको बना के खेलूंगा. जी, तो इंडिया के सबसे ज्यादा छक्के इसीलिए हैं. आप मुझे बताएं रोहित शर्मा कोई पावर हिटर है? नो, प्रॉपर प्लेयर है. प्रॉपर प्लेयर. और शुभमन गिल, है कोहली, ईशान किशन ओपन करते हैं, ओपन जो करते हैं बेसिकली. ईशान किशन भी कह लें, आप नीचे जो आते हैं उनके लड़के सारे छक्के मारते हैं. पांड्या कितनी अच्छी बैटिंग करता है, वो कोई हिटर नहीं है, वो मेरे हिसाब से प्रॉपर बैट्समैन है. बॉलिंग वो साथ एक्स्ट्रा लगी हुई उसकी, वो बॉलिंग ऑलराउंडर है, लेकिन बैटिंग वो ज्यादा अच्छी करता है. लाला, वैसे क्या मतलब, एक एक कहते हैं ना, मुल्क से मुल्क नेचर एक होती है. हम मेरे ख्याल से बचपन से ही सुनते हुए आ रहे हैं कि इंडिया बैटिंग पावर हाउस, पाकिस्तान बोलिंग पावर हाउस. क्यों ये डिफरेंस आता क्यों है? मतलब हमें बैटर्स बहुत अच्छे मिलते हैं इंडिया से, मगर अब बोलर्स भी अच्छे मिलना शुरू हो गए ओवर द पीरियड ऑफ टाइम. बट ये क्यों, ये एक नेचर कैसे बन जाती है एक रीजन के हिसाब से? देखिए, एक तो क्रिकेट क्वालिटी बहुत डिफरेंट हो गई है, इसलिए कि इंडिया की 1.5 अरब की तो मेरे ख्याल में आबादी है. बिल्कुल. हम पहले हम यही कहते थे कि सारे बैट्समैन वहाँ से आ रहे हैं, बॉलर्स यहाँ से आते हैं. यहाँ से बॉलर भी आते थे, बैट्समैन भी आते थे. ठीक है ना, ये तो वहाँ के बॉलर ने अब थोड़ा गोश वोश खाना शुरू कर दिया तो थोड़े तगड़े हो गए. तो आई मीन कि वो उनका जो क्रिकेट उनकी IPL ने चेंज की है. ठीक है, एक तो धोनी की कप्तानी के अंदर बहुत सारी चेंज सौरभ ने किया, सौरभ के बाद गंगोली और धोनी जिस तरीके से सीनियर्स को लेके चला, एंड देन IPL का जो उनका डोमेस्टिक क्रिकेट थी उनकी, उससे काफ़ी टैलेंट उन्होंने इन्वेस्ट सही जगह की है. उन्होंने ग्रास रूट लेवल, जो हमेशा ही बात करते रहते हैं ग्रास रूट लेवल, उन्होंने राहुल ड्रैविड जैसे प्लेयर को नीचे लेके आए, उसके हाथ में पूरी डोमेस्टिक क्रिकेट दे दी. तो राहुल ड्रैविड को पता है कि इस लेवल पे पहुंचने के लिए बच्चों को किन किन चीजों की अभी सी जरूरत है. उन्होंने काम किया, उन्होंने इन्वेस्ट किया, आ रहे हैं टैलेंट, आए जा रहा है, चार अभी इंडिया चाहे तो ये जो है न्यूट्रिशन की, तो हम बात एक मजाक में बिल्कुल इसको ले जाते हैं, मगर काम किया. फास्ट बॉलर्स नहीं मिल रहे थे इंडिया में, सो MRF अकेडमी बनी. MRF अकेडमी में काम हुआ, फास्ट बॉलर्स की बायो मैकेनिक्स पे काम करना शुरू किया एंड उनको नर्चर करना शुरू किया उस हिसाब से. वो सारी चीजें जो इन्वेस्टमेंट की है, जिसका आपको नजर आया कि यार ये देखो प्रोडक्ट तैयार हो रहा है, आ रहा है, इस तरफ आ रहा है, लोगों का रुझान बढ़ना शुरू हुआ है इस तरफ. फास्ट बॉलिंग कैंप्स में वन ऑफ बात करते थे, कभी इरफान पठान की बात कर लेते थे, एक आधा जहीर था उनका, और वो फास्ट बॉलर श्रीनाथ जहीर, ये दो थे ग्रास रूट की. ना लाला, आपने बात की है तो अभी भी हम जब इस वर्ल्ड कप
चल रहा है आप देखते हैं स्क्रीन पर आता है जब 100 रन कोई टीम बनाती है तो 100 किट्स पहले 100 किट्स डिलीवर की जा रही है वहां के ग्रास रूट. अब 100 के बाद पहले मैचेस में 100 पर 100 किट्स दी है. अब 100 रन बनाने पर 10 किट्स, 200 पर 20, 300 पर 30 किट्स दी जा रही है. इनके कल 400 बना तो 40 किट्स ग्रास रूट क्रिकेट को जो है वो जो प्रमोट करने के लिए ऑल ओवर द वर्ल्ड बहरहाल ये दी जाएंगी. बट अगेन आपकी जो ग्रास रूट क्रिकेट है उसको ही हेल्प करेगी. ये एक माइंड सेट है, उन्होंने सोचा इस बात के बारे में. सोचना अलग चीज होती है, फिर उस इंप्लीमेंटेशन वो अलग चीज है. हाँ, वो सबसे इम्पोर्टेंट चीज. देखिए ये प्लान उस वक्त बनते हैं. देखिए मैं अगर ज़का अशरफ साहब की बात करूं, एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी ज़का अशरफ साहब के पास पहले भी थी, अब भी थी. मैं उनको रिस्पेक्ट इसलिए ज़्यादा करता हूं कि मेरा कमबैक उनके टाइम में हुआ था. मेरा एजाज भट्ट साहब के साथ चल रहा था तो मुझे ज़का अशरफ साहब ने बड़ा सपोर्ट किया उस हवाले से. तो मेरी ये ख्वाहिश है कि ज़का अशरफ साहब ऐसे काम करें. देखिए ये कुर्सी किसी की नहीं है, आप कभी होगे कभी नहीं होगे, लेकिन जब हो तो ऐसी यादें छोड़ के जाएं कि लोग कहें कि यार वो चेयरमैन आया था. तो मेरी मैं चाहता हूं कि ज़का अशरफ साहब ऐसे काम करें, ऊपर लेवल को छोड़ दें. नीचे जहां प्रॉब्लम्स हैं, नीचे लेवल पे जो ग्रास रूट लेवल की बातें कर रहे हैं, उस लेवल पे काम करना बहुत इंपॉर्टेंट है.